सो वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक जेपीएससी। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कल का एक न्यूज के ऊपर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आपको जैसे पता है जेपीएससी के इस मुद्दे पर अभी बहुत ज्यादा ही बवाल मचा हुआ है। सड़क से लेकर सदन तक हर जगह चर्चा का विषय बन चुका है जेपीएससी। और दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि कल क्या क्या हुआ सदन में। तो सदन में जैसे पता है आपको कि तथाकथित रूप से हमेशा की तरह जब स्टार्ट हुआ सदन तो विपक्षी दल के जो नेताओं ने एक साथ हंगामे किए, और स्पीकर का यह कहना है कि अगर हमारे जो माननीय सीएम द्वारा आपको जेपीएससी के विरुद्ध में जो भी आपका क्वेश्चन थे उसके अगेंस्ट में अगर उन्होंने कहे या एक्सप्लेनेशन अपना दिए तो क्यों ना आप इसको अभी और उठाए नहीं और ये शांति तरीके से सदन को चलने दें। लेकिन ये सुनते ही विपक्ष वाले और ज्यादा भड़क गए और उन्होंने बहुत ज्यादा बवाल किया। और दोस्तों उसके बाद देखते हैं कि जो हमारे विधायक हैं किशन दास हैं और सरैया क्षेत्र से रिलेटेड करते हैं, आकर्षक कागज होता है उसको उन्होंने फाड़ दिया। और सब उसके बाद देखते हैं और एक इंसिडेंट यहाँ पर हुआ, जेपीएससी अभ्यर्थियों को द्वारा जेपीएससी का पुतला को या बोले तो जेपीएससी का जो सब को दाह करने का ये एक प्रोसीजर चला, और आपका राजभवन से लेके आपका मुक्ति धाम तक उन्होंने जो पहले से एक रूटीन बनाया था कि उस रोड पे लेके जाएंगे वहां जाने नहीं दिया गया और पुलिस बल के द्वारा उनको आगे रोका गया, और इसके वजह से उन्हें राजभवन के सामने ही ये सब दाह करना पड़ा। और हमारे जो छात्र नेता है श्री देवेंद्र महतो जी, उन्होंने अपना मुंडन भी कराया। तो ये तो रहा कल का एक न्यूज, लेकिन इसमें से हमें आउटकम्स और एक चीज लेना है कि इसके बाद में हमें एक्चुअली जो देखना है कि एसडीएम द्वारा जो एक उनके लिए नोटिस भेजा गया है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि एज एडमिनिस्ट्रेटर यू हैव टू नो व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसीजर्स व्हिच आर गोइंग ऑन एंड व्हाट द रोल ऑफ एसडीएम इन दिस रिलेवेंट एक्टिविटीज एंड व्हाट हिज पावर टू बी डिप्रेस और सफ्रेस और टू लीगली एक्शन टेकन ओवर द स्टूडेंट्स, और इसके ऊपर क्या क्या वो एक्शन ले सकती हैं, क्या क्या पावर है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको हो सके तो कोई भी स्टेट पीजीएस में हो या आपका सीपीएससी में हो ये पूछा जा सकता है कि एसडीएम का पावर क्या होता है। तो जो कि अभी एसडीएम द्वारा ये नोटिस दिया गया है और यहाँ जो विद्यार्थी हैं जो छात्र नेता हैं उनको टोटली 10 विद्यार्थियों को उनके ऑफिस में हाजिर होने के लिए समन किया गया है। और बताते चलो कि जैसे देवेंद्र महतो जी हैं, फिर कके सी एमएम है, फिर बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो उन्होंने बुलाया है। तो अभी ये बताते चलो कि ये कौन सा पावर है उनका और क्यों ये कैसे कर सकते हैं और इसके आउटकम्स क्या होंगे, और अगर ये इसको नहीं माना जाए तो वो इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो देखते हैं, आपको पता है जिला में डीएम का पावर रहता है यानी आपका डिप्टी मजिस्ट्रेट जो रहते हैं, वैसे ही आपके जो सब डिवीजन में एसडीएम या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का पावर रहता है, और जानते हैं वो सर्वे सर्वा रहता है और उनके नीचे जो क्रमवार हैं उनका हम डिस्कस करते हैं। उसके नीचे रहते हैं तहसीलदार, उसके नीचे नायब तहसीलदार, उसके बाद आरआई जो आपका फेमस आप जानते हैं और रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, और उसके बाद एआरआई या एडिशनल रेवेन्यू इंस्पेक्टर ये भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसडीएम का पावर क्या है। तो एसडीएम का पावर हम देखें तो कैटेगरी 3 हिस्से में हम बांट सकते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर आपके मजिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियली पावर, ये सब उनके पास होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को देखें तो उसमें बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी या बहुत सारे ऐसे पावर्स रहते हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एट्रोसिटी अगर कहीं पर हो रहा है या कहीं पर कोई चीज के ऊपर कोई अधिकार करके बैठा है तो उसको उनका जो निपटारा करना, फिर आपका मान लीजिए कोई मॉब है वहां पर बहुत सारा ऐसे इलीगल एक्टिविटीज हो रहे हैं तो उसको, या भीड़ को खदेड़ने के लिए आपका जितने भी टीयर गैस यूज करना रहता है तो ये सब पावर भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो के द्वारा जो आपका कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है, जैसे कर्फ्यू आप जानते ही 144 धारा जो है हमेशा आपके चर्चा में रहता है और रिसेंटली जो गांधी मैदान में भी ये लगाया गया था। और दोस्तों उसके बाद उनका बहुत इम्पोर्टेंट जो अभी का जो ये माहौल चल रहा है तो इसमें हम बताने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ये कौन सा धारा लगा हुआ है। तो सबसे पहले जो धारा लगा है ये है आपका सीआरपीसी का सेक्शन 133।
तो सीआरपीसी मतलब आपको बताते चलूंगी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के द्वारा ये उनको पावर मिलता है, और इसके तहत एक एसडीएम अपने क्षेत्र में ये सीआरपीसी वन के द्वारा जो सेक्शन 133 को लगाया जा सकता है उसके द्वारा। तो ये सेक्शन 133 क्या है ये देखते हैं। सेक्शन 133 एसडीएम द्वारा कोई अगर न्यूसेंस कर रहा है, न्यूसेंस कोई भी चीज के द्वारा हो सकता है। न्यूसेंस मतलब कहीं पर एक पब्लिक प्लेस में, पड़ाव में, मैदान में अगर कोई ऐसा तत्व, वो व्यक्ति विशेष हो सकता है या कोई सामान हो सकता है, जिसके वजह से पब्लिक के हेल्थ में या पब्लिक के लिए, पब्लिक के जान माल को नुकसान होने का खतरा रहता है, तो ऐसे चीजों को वो हटाने का ये शक्ति उनको प्रदान करती है। सेक्शन 133 के तहत एसडीएम ने क्या किया है, इन विद्यार्थियों को या जो छात्र नेताओं को उनके ऑफिस बुलाया है, और उनके तहत ही ये एक पावर मिलता है उनको कि आगे जाके ये न्यायिक कार्रवाई कर सके। मान लीजिए छात्र नेता लोग यहाँ नहीं पहुंचते हैं तो क्या होगा, अगर वो लोग नहीं पहुंचते हैं तो आगे कानूनी कार्रवाई के लिए वो प्रोसीडिंग कर सकते हैं, यानी जबरन बल प्रयोग करके उनको वहां से उठाया जा सकता है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि ये जो छात्र नेता लोग जितने भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, बाहर के विद्यार्थी हो या जितने भी पेरेंट्स आके यहाँ पर जुटे हैं, तो उनको अपने राइट्स के लिए अगर कहीं पर भी बुला रहे हैं, जैसे मान लीजिए एसडीएम ऑफिस बुला रहे हैं, तो आप वहां पे जाके अच्छे से अपना प्रॉब्लम्स क्या है उनको बता सकते हैं। बताने के बाद आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। अगर आप इससे बचते हैं तो वो क्या करेंगे, आपको जबरदस्ती आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो देखिए इस मुकाम में अभी पहुंच गया जेपीएससी के जो अभ्यर्थी, उन्होंने बहुत ही ज्यादा आक्रोशित हो चुके हैं और सीएम के विरुद्ध भी बहुत नारेबाजी चल रही है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना होगा, एकजुट होना होगा और सबके साथ मिलके इसको ज्यूडिशियली तौर पर भी आगे ले जाया जा सकता है। हमें हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भी जाके अपना जो राइट रखने का भी अधिकार है, तो इस पहलू को भी देखा जा सकता है। उसके बाद प्लानिंग है, शवदाह करने के बाद उनका यही प्लानिंग होगा कि बाई कार्ड, पोस्ट कार्ड के द्वारा वो क्या करेंगे, अब जो न्याय की गुहार करेंगे। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो से कुछ आपको नॉलेज मिला तो आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हाँ, और जो साइड में बेल आइकन बना हुआ है इसको दबाना ना भूलें, ताकि जितने भी मेरे द्वारा वीडियो बनाए जाएंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ ले सके। एंड लेट्स क्रैक इट।